गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इनके सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। आउटकम्स की हम बात कर रहे थे। आउटकम्स में क्या आ जाता है कि एक कंट्री के अंदर इक्वलिटी हो सिटीजन्स के अंदर, उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वो प्रॉपर वे से, प्रॉपर मेथड से उनको दूर कर सके, कन्फ्लिक्ट्स को रिमूव कर सके। इसके लिए बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिलेटेड आ जाते हैं कि जो बेल्जियम ने है वो एकोमोडेशन किया, अपने कन्फ्लिक्ट्स को एक प्रॉपर मेथड वहाँ पर यूज़ किया और अपने कन्फ्लिक्ट्स को वहाँ पर रिमूव किया। श्रीलंका ने मेथड यूज़ नहीं किया, कन्फ्लिक्ट्स रेगुलर चल रहे हैं, जिस कारण आज की डेट में भी रेगुलर वहाँ पर सिविल वार चलता आ रहा है सिनालाज और तमिल के बीच में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मेथड खराब बैड होते हैं, जिसकी वजह से जो आपस में कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, अनसरेबल गवर्नमेंट। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट या जो मिनिस्टर्स जो बनते हैं, जो आपके एरिया के MLAs और MPs हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपने ये प्रोमिसज किए थे, इस टाइम पीरियड में ये पूरे नहीं हुए हैं, आप इसका आंसर दीजिए क्यों नहीं पूरे हुए। ये केवल आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के उनसे हम पूछ सकते हैं, जो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। लेकिन आप ये डिक्टेटरशिप में ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई आपको आंसर देने के लिए किसी तरह से मजबूर है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है कि जो मिनिस्टर है, जो MLAs हैं, जिसको आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा था, आप उसे क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर उसको देना ही पड़ेगा। इट्स मीन्स इट्स अकाउंटेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की। देखिए, रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया, क्योंकि हम सब लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ सकते, हमने अपना एक लीडर इलेक्ट करके वहाँ भेज दिया, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चूज होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक ने वर्क उनको दिए हैं या पब्लिक से जो उन्होंने वर्क करने की प्रॉमिस किया है, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट है। अगर कोई अच्छा काम नहीं होता है, जिसके बैड इफ़ेक्ट रहते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, अगर चाइना के साथ करंट जो सिचुएशन बनी हुई है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उसके रिस्पॉन्सिबल हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ज़िम्मेदार है उस चीज़ के लिए। कल ने अगर वार की सिचुएशन बनती है, वार स्टार्ट हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबल हमारी गवर्नमेंट होगी। अगर पीस क्रिएट हो जाता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन बनते हैं, ट्रेड इंक्रीज होता है, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगर पॉवर्टी बढ़ती है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो ये है कि जिम्मेदार है वो, एक उसने वो जिम्मेदारी ली है कि नेक्स्ट 5 ईयर तक जो आपने हमारे को जिम्मेदारी दी है, आपने हमारे को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आपकी डिमांड्स को, आपके वर्क्स को पूरा करेंगे। ये है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट आई है उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इलेक्ट करके वो पार्लियामेंट में पहुंची है और गवर्नमेंट बनाई है उस पॉलिटिकल पार्टी ने, और वो गवर्नमेंट को रन कर रही है, ठीक है। प्रॉपर चैनल का हम कह सकते हैं कि प्रॉपर इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस का सारा प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, विन होने के बाद वो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, तो इट्स कॉल्ड ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिव भी होगी, क्लियर, और वो अकाउंटेबल भी होगी। तो आपने अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट से जो रिलेटेड टॉपिक है, आप इसको कम्प्लीटली रीड करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।